डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का चार्ज मैंने आज संभाला है 1 अगस्त 2019 को, एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो भी हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वील बी फेसिंग देम एंड हम इस डायरेक्टरेट को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छी टीम है, पूरे ऑफिस का मैंने जायज़ा लिया, यहाँ के सारे अमले का एस्टैब्लिशमेंट, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रपोजल्स आए हैं, जितनी बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया गया है। और मैं ये समझती हूँ कि आई हैव अ वाइब्रेंट टीम ऑफ ऑफिसर्स और एज अ टीम हम वर्क करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का और जो सरकार का और बाकी इश्यूज़ जो रिलेटेड विद पब्लिक हैं, उनको रिजॉल्व करने का, उनको प्रेजेंट करने का, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने का और लोगों के बीच में, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन कायम करने का हमारा एक जज्बा है। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभाया जाए। वी आर वेलकम टू ऑल सजेशंस, हम लोगों से बात करेंगे, डिफरेंट मीडिया सेल से बात करेंगे और जो भी लोगों को आराम पहुंचाने की, फैसिलिटेट करने की इश्यूज़ होंगे वो हम ज़रूर देखेंगे। And I am hopeful that this tenure will be a grand success. बडगाम का experience बहुत अच्छा रहा, in fact पूरे एक साल का जो tenure था मेरा, it was a very beautiful experience because जितना appreciation लोगों से मिला, जितनी encouragement लोगों से मिली, because लोगों के साथ बहुत ज़्यादा interaction थी और आम लोग भी बहुत खुश थे। जितने भी हमने improvements करने की कोशिश की वो हम कर पाए। बड़ी सारी चीज़ों में हमने देखा कि developmental activities को एक नया फिलिप मिला, वेमेन ओरिएंटेड इश्यूज़ जो थे, वेमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो थे वो हमने करने की कोशिश की, चाहे वो नई सोच का जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, इंसिनरेटर्स, डिस्पेंसर्स लगाए सारे स्कूल्स में, उसके साथ साथ जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए गए। और मैं समझती हूँ कि दिस हैज़ एनरिच्ड मी एज एन ऑफिसर ऑल्सो एंड आई विल चेरिश द एक्सपीरियंसेज दैट आई हैव गेन्ड। और लोगों के साथ जो मेरा रिलेशन बन गया है वो इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बडगाम विल ऑलवेज बी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन माई इन द प्रोग्रेस ऑफ माई करियर। जो सरकार हमें मैंडेट देती है एज अ डायरेक्टरेट, हम उसमें पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और हर जगह जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत होगी हम वो वाले काम करेंगे, ताकि लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी इशूज़ स्टैंड ना करें।